नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। राज्य में 8 जनवरी को चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के 14 दिन की लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस पार्टी शनिवार देर रात सूची जारी कर पाई है। नई दिल्ली में शनिवार रात करीब 11:40 पर पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। पहली सूची में 3 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। घोषित सूची पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को उनकी परंपरागत सीट चकराता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को जागेश्वर, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को बाजपुर, तो उनके पुत्र संजीव आर्य को नैनीताल से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी की दिग्गज नेता रही दिवंगत इंदिरा हृदेश के पुत्र सुमित हृदेश को हल्द्वानी से प्रत्याशी बनाया गया। केदारनाथ से मनोज रावत, चकराता से प्रीतम सिंह, भगवानपुर से ममता राकेश, पिरानकलियर से फुरकान अहमद, मंगलौर से काजी निजामुद्दीन, धारचूला से हरीश धामी, रानीखेत से करण महरा, जागेश्वर से गोविंद सिंह कुंजवाल, जसपुर से आदेश चौहान के नाम शामिल है। इसके अलावा पुराला सुरक्षित सीट पर विधायक रहे राजकुमार पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस सीट पर पार्टी ने भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए मालचंद को मौका दिया, जबकि हल्द्वानी में पार्टी की दिग्गज नेता रही इंदिरा हृदेश के निधन के बाद इस बार पार्टी ने उनके पुत्र सुमित हृदेश पर दाव खेला है। आगरा में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए गोविंद पाराशर ने विवादित बयान दिया। समाजवादी पार्टी को दंगाइयों की पार्टी बताया। उनका कहना है कि अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो हिंदुओं के लिए निर्णय हुए हैं वो सब बदल दिए जाएंगे। आगे गोविंद पाराशर ने कहा कि समाजवादी पार्टी कारसेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी है। गोविंद पाराशर का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आज हमारे राष्ट्र की बैठक, महानगर की बैठक, प्रदेश की बैठक में एक निर्णय हुआ, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई हो, जिनके विधायक बोल रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो अयोध्या से अल्लाह अकबर की आवाज आएगी, इसको रोकने के लिए, क्यों इन सबका जो आका बोल रहे हैं, आका है वो अखिलेश यादव है। ऐसे आतंकियों को रोकने के लिए अखिलेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने, इसको रोकने के लिए जहां से भी अखिलेश यादव चुनाव मैदान में होंगे वहां से गोविंद पाराशर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर चुनाव लड़ेंगे, ये निर्णय लिया है। आगरा में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सैकड़ों की संख्या में भीड़ लेकर प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने डोर टू डोर 5 आदमी को लेकर प्रचार का आदेश दिया है। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी शैलू जादौन के प्रचार में भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप आगरा से देख सकते हैं, जहाँ पर आचार संहिता की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन भी कई नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी आगरा में देखने के लिए मिलती है। अमरोहा में निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ अध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ चुनावी बैठक की, जिसमें उन्होंने 2022 के चुनाव में फतह हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। जेपी नड्डा के निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस पर पहुंचने पर हेलीकॉप्टर से उतरते हुए उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर, निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर, भाजपा जिला अध्यक्ष तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अमरोहा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह सैनी और धुनोरा हसनपुर विधानसभा के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। और अब खबर औरैया से है, जहां पर विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस के द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान 23 लाख रुपए कार से बरामद हुए हैं। एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत
साहिल थाना पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। पकड़े गए कार सवार लोगों को थाने में लाकर पूछताछ भी की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु साहिल थाना की पुलिस और जिले स्तर पर गठित एफएसटी टीम के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान सौथरा अड्डे के पास में एक डिजायर गाड़ी से जा रहे सवारों की जब जामा तलाशी ली गई तो जामा तलाशी में उनके पास 2,39,000 रुपये कैश बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान उन लोगों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने के कारण रुपयों को नियमानुसार सीज किया गया। आगे जांच कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बलिया में पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देशन में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पिकअप से 152 पेटी अवैध शराब को पुलिस ने जब्त किया। पिकअप से 72 पेटी अवैध विस्की और 70 पेटी करीब दूसरी किस्म की जो शराब है वो बताई जा रही है, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने एक अभियुक्त के पास से तमंचा भी बरामद किया है, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शराब की लगभग कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। रेती थाना क्षेत्र के पशुखा मंदिर के समीप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलिया के बहादुरा पुल के पास भीषण हादसा हो गया, जहां पर मनियर से सिकंदरापुर की तरफ जा रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 8 साल की बच्ची सहित एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 2 युवक मामूली रूप से घायल हो गए हैं। वहीं जो कार का ड्राइवर था वो मौके से फरार बताया जा रहा है। कार में बैठकर टेट का पेपर देने सिकंदरापुर जा रहे थे युवक। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मनियर थाना क्षेत्र के बहरापुला रोड के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली के महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने अपने निज निवास पर आयोजित विशेष प्रेस वार्ता में कहा कि चुनावी माहौल में आयाराम गयाराम की राजनीति लगी रहती है। प्रवीण सिंह इरन बरेली जिले के सबसे ज्यादा पार्टी बदलने वाले नेता हैं, आज वे चौथी पार्टी में गए हैं। ये दर्शाता है कि इरन दंपति केवल निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि समाज की सेवा के लिए। प्रवीण सिंह इरन ने लगातार कांग्रेस पार्टी को अपने इर्द गिर्द रखने की कोशिश की और जब हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बल मिलना शुरू हुआ तो ये घबरा गए। कांग्रेस पार्टी के ही बलबूते पर प्रवीण सिंह इरन सांसद रहे। इनकी पत्नी सुप्रिया इरन मेयर बनी, लेकिन उनके बावजूद भी उन्होंने ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, ना कभी उनके साथ खड़े दिखे, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2017 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद मेयर के चुनाव में इनका टिकट काटने का काम किया है, जिसके बाद इन्होंने मेयर के चुनाव में मेरे खिलाफ प्रचार किया और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी इरन दंपति ने टिकट न मिलने पर पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान पहुँचाया है। चंदौली में ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया, 2 की मौके पर ही मौत हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, घायलों को अस्पताल में भिजवाया। वहीं मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। पूरा मामला सदर कोतवाली के NH2 के जयरामपुर गाँव के समीप का बताया जा रहा है। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष।
सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे तब आपकी सरकार आती है? हम हैं। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इनसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते हैं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभाग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। फरुखाबाद में किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव का आवारा कुत्तों द्वारा नोचा गया है। थाना कमालगंज के ग्राम सिंग्रामपुर निवासी मासाराम मिश्रा के खेत में गांव के सतीश में सरसों की फसल बोई थी और सतीश शाम को जब खेत पर गया तो उसने मेड़ के किनारे सरसों के खेत में किशोरी का शव देखा। शव के सामने ही सरसों के पौधे टूटे हुए थे। सतीश की सूचना पर मौके पर तमाम लोग पहुंच गए और इसकी सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है। शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो फरुखाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि खेत में एक किशोरी का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि उसके शव को जानवरों ने काफी नुकसान भी पहुंचाया है। ये थाना कमालगंज के अंतर्गत जो ग्राम श्रृंगी रामपुर है वहां पर जो गंगा नदी की कटरी है उसमें सरसों के खेत में एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है, जिसकी सूचना UP 112 से और वहां के प्रधान के द्वारा दी गई थी। तुरंत से मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन को सुरक्षित किया गया, प्लस वहां पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया है
और सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। आसपास के थानों को तुरंत से सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर जो लड़की है उसकी शिनाख्त हो गई है। उसके संबंध में जो लड़की है ये 20 तारीख से गायब थी, जिसके संबंध में थाना गुरसाईगंज जो कि जनपद कन्नौज में पड़ता है वहाँ पर 363 के अंतर्गत धारा 363 के अंतर्गत इसमें मुकदमा दर्ज था। और ये मुकदमा है जो उनके फादर श्री उमेश शर्मा हैं जो कि मोहनपुर रतनपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि लड़की 20 तारीख को दिन में 3 बजे से गायब थी। दो बजे के टाइम पे वो खेल रही थी दरवाजे पे, ये पिताजी इनके और इनकी माताजी लड़की के वो अपने ससुराल गए थे मिट्टी में। कौन से गांव? बेटारी वहाँ गए थे, वहाँ से उसी दिन वापस आ रहे थे। छोटी वाली बेटी ने फोन किया कि पापा कितनी देर में आ रहे हो, तो उन्होंने कहा 20-25 मिनट में आ जाएंगे। ये बच्ची का घर पे खेल रही थी? हाँ, तब बच्ची खेल रही थी। उसके कितने दिन से ना पता है? परसों दो बजे से ना पता है। तो मतलब आपने कहाँ पहले नवरंगपुर चौकी पे शिकायत की, सोचा कि वहाँ से पुलिस वाले आए। जिला तो लगता है ये किसकी लाश थी? मेरी बेटी की। कई दिन मतलब कई दिन से ना पता थी? पुष्पा नाम की। पुष्पा नाम था? कई दिन से ना पता थी घर से? बृहस्पति वाले दिन। कहाँ पे आपने गुमशुदगी लिखवाई थी क्या? जी। कौन से थाने में? चौकी। कौन सी? नवरंगपुर। नवरंगपुर में? मुकदमा भी लिखा हुआ है आपका? एप्लीकेशन दी थी, जिन्हें पढ़ाई थी वहाँ। कितने दिन हो गए? बृहस्पति को। गौना में उस समय भीषण हादसा हो गया जो बारातियों को लेकर जा रही बुलेरो गाड़ी दर्जी कुआं मानकपुर मार्ग पर स्थित कहोबा चौकी क्षेत्र में फरिंदा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में चौपहिया वाहन पर सवार 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में लाया गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने सभी को लखनऊ रेफर कर दिया। गोरखपुर पीआरडीएफ के चेयरमैन और अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरसी चौधरी ने पूर्वांचल के किसानों को समृद्ध बनाने के मकसद से अपने शोध से काला नमक धान की 4 नई प्रजातियों को विकसित कर पूर्वांचल के किसानों को नई उड़ान दी है। गोरखपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरसी चौधरी यूनाइटेड नेशन के साथ दुनिया के लगभग 40 देशों में कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान दे चुके हैं। किसानों की आय 3 गुनी करने के मकसद से डॉक्टर आरसी चौधरी ने विलुप्त हो रहे काला नमक धान की 4 नई प्रजातियों को विकसित कर काला नमक धान को 2000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 50,000 हेक्टेयर तक पहुँचा दिया है और अगले साल 1,00,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है। काला नमक धान को पुनर्जीवित करने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर आरसी चौधरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने सुनी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में गोरखपुर की पीआरडीएफ संस्था ने जो है एक बड़ा काम किया है। और जहां सरकार ने बात की किसानों की आय दुगनी की जाएगी, तो वहीं पीआरडीएफ का दावा है कि किसानों की आय पीआरडीएफ के माध्यम से धान की खेती से 3 गुनी करने का दावा पीआरडीएफ ने किया और कर भी दिखाया। भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में जाने जाने वाला काला नमक धान की खेती जो है पहले 2000 हेक्टेयर तक सिमट कर रह गई थी, विलुप्त होने के कगार पे थी। और पीआरडीएफ के चेयरमैन डॉक्टर आरसी चौधरी ने उसको बढ़ाकर जो है अपनी 4 नई किस्में धान की जो है विकसित की काला नमक की, और 50,000 हेक्टेयर तक उसकी जो है पैदावार उन्होंने बढ़ाई। और उनका दावा है कि अगले साल तक 1,00,000 हेक्टेयर तक जो है काला नमक धान की खेती को विकसित और किया जाएगा। और वहीं सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी काला नमक धान को लेकर जो है 1 District 1 Product में उसको अपने शामिल किया और एक बड़ा जो है अचीवमेंट रहा डॉक्टर आरसी चौधरी का, जो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर लगभग 40 देशों में उन्होंने धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया। और जो 40 देश हैं उसमें जो है उनका योगदान माना गया। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरसी चौधरी, जिन्होंने एक अपना मिसाल पेश किया है काला नमक धान की 4 प्रजातियां विकसित करके। वो डॉक्टर आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उनका मकसद क्या था और किसानों को किस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया और काला नमक की खेती को किस तरह से उन्होंने बढ़ाया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। क्या मानते हैं डॉक्टर साहब कि काला नमक की खेती की शुरुआत आपने कैसे की और कब आप
आपने विकसित करना शुरू किया कालानुमक और खासियत इसकी क्या रही? ऐसा हेमंत जी कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस में कार्यरत थे, रिटायर होने वाले थे, तो हमको ये तय था कि हम जहाँ से जहाँ पैदा हुए, जहाँ पले, जहाँ बढ़े, जहाँ शिक्षित हुए, वहाँ के लिए कुछ करें। दुनिया के तमाम 40 देशों से ज़्यादा में हम काम कर चुके हैं। तो हम यहाँ जब लौटे तो हमने लौटने से पहले समस्या तलाशनी शुरू की कि आखिर इस क्षेत्र की क्या समस्या है, क्योंकि 35 साल से देश से बाहर थे तो कुछ एक संबंध ऐसा टूट सा गया था। तो लोगों ने कहा साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि काला नमक यहाँ का होता था, जो यहाँ के मूछ का बाल कहते हैं लोग, और भगवान बुद्ध का प्रसाद जैसा आपने जिक्र किया, तो उसके रूप में जो जाना जाता था वो खत्म हो जा रहा है। आज भाजपा कार्यालय पर अनुराग ठाकुर, अपर्णा यादव तथा अन्य भाजपा नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आज लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भाजपा नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मथुरा वृंदावन विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप माथुर को लगातार उनका जो बयान है वो सामने आ रहा है। उनका कहना है कि श्रीकांत शर्मा से जनता बेहद नाराज है, बिजली बहुत महंगी कर दी है, जनता का गुस्सा यहां पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि मंडी का माहौल और जो चुनावी सर्वे है वहां पर ये पता चलता है कि श्रीकांत शर्मा से मथुरा की जनता जो है वो बेहद नाराज नजर आ रही है। जानने प्रयास करेंगे आखिर अब मथुरा मंडी का माहौल क्या है, आखिर मथुरा की मंडी के जो व्यापारी लोग हैं कहाँ जा रहे हैं अब की बार और किसको अब की बार वोट करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फकीर चंद है सर जी। मैं मंडी में सब्जी का काम है मेरा, और अब के इच्छा, हार्दिक इच्छा जी है कि प्रदीप माथुर को वोट दो, क्योंकि वो बढ़िया आदमी है, रॉयल आदमी है। पहले वो अच्छा काम किया उसने, गाँव में सड़क नालियाँ और रोड सब बनवाए हैं बेचारे ने, और पानी की भी व्यवस्था करी है वाने का, और अच्छा ब्रांडेड काम है उसका। और श्रीकांत शर्मा जी ने तो लूट कर दी, लूट मथुरा की है। तो हम तो ये निवेदन कर रहे हैं सब जनता से, कह रहे हैं भाई और बदलाव की स्थिति लाओ, बदलाव में ही लाभ मिलेगा पब्लिक है हमारी है। ठीक है सर, मैंने बहुत अच्छा काम किया। अरे कछु काम ना करो, बिजली के कनेक्शन तो फ्री दे दिए और बिल आए 3-3 हज़ार के, 4-4 हज़ार के, 5-5 हज़ार के, मीटर ही नहीं लेके उखाड़ के बताओ। हाँ, और जाए तो FIR कर दो, FIR कर दो। अरे जी कोई तरीका तो रही है, गरीब आदमी हम तो अरे रोज रोटी कम देख रहे हो, आपके सामने देखो ब्रांडेड सरसों बेच रहे, ब्रांडेड पालक बेच रहे, देख रहे ब्रांडेड मूरी बेच रहे, बताओ तो हाथ की हाथ बेच रहे तो लाभ ना। आप क्या मानते हैं अब की बार? हम तो प्रदीप माथुरा मानने जी हाँ। कांग्रेस का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं? अरे वजूद का मतलब थोड़ी है, आदमी तो ब्रांडेड है मथुरा का, मथुरा का प्रदीप माथुर ब्रांडेड है। देखो एस के शर्मा की बीजेपी वाले ने रेल मार के धर दी, माठ से करोड़ों रुपए खर्च कर दो बेचारे ने, और बात के जहाँ तुम घर को अपने क्या नाम है आपका? इसी तरह आप सवाल कर रहे हैं, जिस तरह आप ठीक है सवाल कर रहे हैं क्या? ए जाओ बलवा के हरी लाल की जय। पूछेंगे आखिर अब की बार किसकी सरकार और कहाँ मथुरा विधानसभा की सीट और कहाँ पर जा रही है, किस पार्टी में जा रही है, किस खाते में जा रही है, पूछेंगे। भैया क्या नाम है आप? टमाटर तो बहुत अच्छे बोलते, क्या भाव है टमाटर आपके? टमाटर हैं अब चुनाव नजदीक है, कहाँ जा रहे हो आप? हम कहेंगे हम तो साइकिल वाले हैं, शुरू से साइकिल वाले जी। तो साइकिल कहाँ पहुँच रही है आपकी बात? देखो कहाँ तक पहुँचे, ये तो वक्त बताएगा। मोदी जी अब की बार कहाँ वोट करेंगे? साइकिल साइकिल पर जी। साइकिल से कौन है प्रत्याशी आपको? अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ है। डिसाइड हो गया भैया, आप साइकिल से मथुरा विधानसभा से देवेंद्र अग्रवाल जी हैं जी के? देवेंद्र अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल। तो आप सभा को वोट करेंगे? मतलब की प्रत्याशी वोट करेंगे, साइकिल को साइकिल को जी।
अच्छा मुलायम सिंह से। देखिए ये बड़े हमारे साथ बड़े ऐसे वोट रहे हैं जो इनका कहना कि हम किसी को वोट करेंगे या प्रत्याशी कोई चेहरा हो सकता है पर वोट करेंगे साइकिल को और वोट करेंगे गठबंधन को वोट करेंगे। तो आप क्या मुद्दे रहेंगे क्या चाहते हैं आप उस बार के? अब जो भी हो मतलब वक्त बताएगा क्या होता है। सब्जी आपने खरीदी है बताइए। सब्जी खरीदी है आलू है गाजर है मिर्च। महंगा मिला आपके सस्ता मिला? अरे खूब महंगा मिल रहा है टाइम महंगा मिल रहा है खूब। सब चीज महंगी है सब चीज महंगाई है। महंगाई हो गई बिल्कुल सब पे महंगाई है। सिलेंडर क्या महंगा 900 रुपया को तेल है सरसों को 200 रुपये किलो है और क्या है सब चीज महंगी है टाइम महंगी तो है ही है सब कुछ। फिर आपकी बार बताइए कहाँ आपकी बार तो खत्म होगी सरकार बदलेगी अब के तो। कौन सी सरकार आ रही है? सरकार आ रही है मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह जी तो कौन सी विधानसभा से आप? मैं यही तो हूँ मथुरा विधानसभा। तो कहाँ जाएंगे फिर कहाँ ऊपर जाओ आवेगी सरकार वही की। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।